पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व हिंदू परिषद द्वारा मुरादाबाद में सामूहिक रुद्राभिषेक की बड़ी पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष भक्तों को राधा कृष्ण मंदिर परिसर में जाप कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। दरअसल सावन के महीने में प्रत्येक वर्ष ही विश्व हिंदू परिषद सनातनी कार्य कराने की कड़ी में सामूहिक रुद्राभिषेक भी कराता है। इस साल भी दिल्ली रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में बड़े सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे तक चलता रहा। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शिव भक्त मंत्रोच्चारण कर रहे थे। गुरुकुल के छात्र पूरी रीति रिवाज से भक्तों को मंत्रों का जाप करा रहे। इस आयोजन पर जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के मेरठ प्रांत मंत्री डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने बताया कि आयोजन सनातनी परंपराओं को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया है। सावन मास में प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदू परिषद ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित करती है। इसका उद्देश्य समाज के अंदर लोगों को ये भी बताना है कि विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक संगठन है और वो धर्म के प्रत्येक कार्य में आयोजन इस तरीके का करता रहता है। चूँकि सावन मास का माह जो है वो शिव आराधना का मास होता है सनातन धर्म के अनुसार, तो वैसे ही समस्त हिंदू समाज, पूरे विश्व का हिंदू समाज इस माह में भगवान शिव की आराधना करता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।